हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लॉन्ग टाइम नो सी, आई नो बहुत टाइम हो गया, मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली है बिकॉज आई वाज बिजी इन सम वर्क एंड काम पे जाना एंड इट गेट्स वेरी हेक्टिक फॉर मी समटाइम्स, सो इट्स बिन लॉन्ग टाइम। हाउ आर यू ऑल? आई एम डूइंग ग्रेट, आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ विथ एन इंस्टेंट मास्क बिकॉज यहाँ पे आ गई हुई है गर्मियाँ इन कैनेडा, एंड जैसे ही गर्मी आती है वैसे ही मेरे फेस पे इतना ऑयल आना स्टार्ट हो जाता है। यू कैन सी कि मतलब कितना ज्यादा मेरा फेस ऑयली हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसके चक्कर में मेरे फेस पे इतने सारे पिंपल्स हो जाते हैं, पस वाले दाने निकल आते हैं। तो उसके लिए ना मैं सिर्फ इंडिया में भी यही मास्क यूज करती थी एंड यहाँ पे भी मैं यही मास्क यूज करती हूँ। यू नो आई एम सच अ फैन ऑफ मास्क, मतलब मेरे को इतने मास्क पसंद है ना, मतलब मैं कोई भी मास्क लगा सकती हूँ अपने फेस पे। एंड सबसे बेस्ट मास्क होते हैं होम रेमेडीज या आपके किचन इंग्रेडिएंट, सबसे बेस्ट काम करते हैं आपके फेस के लिए। तो आज ही मैं आ गई हूँ एकदम मस्त सा मास्क लेके, सिर्फ टू इंग्रेडिएंट्स वाला। इतना इजी है, इंस्टेंट ब्राइटनेस देगा आपको, जितने भी आपके पस वाले पिंपल्स होंगे या टैनिंग होगी या फिर आपके मतलब कितनी भी सेंसिटिव है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, हर कोई बंदा इसको यूज कर सकता है। दिस मास्क इज सो अमेजिंग एंड मेरा पर्सनल फेवरेट है बिकॉज ये इतना क्विक और ईजी है कि मतलब घर पे जैसे मर्जी बन सकता है ये, ठीक है। सिर्फ दो इंग्रीडियंट्स चाहिए उसमें। सबसे पहला इंग्रीडियंट आ जाता है हमारा कॉर्नस्टार्च, ठीक है। कॉर्नस्टार्च लेना है हमने एंड लेना है दही। सो बस ये दोनों चीजें लेनी है। इतना मस्त काम करेगा, ठीक है, आपका जितना भी एक्सेस ऑयल है वो रिमूव कर देगा। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने ड्राई स्किन में भी आप यूज कर सकते हो, जस्ट कि आप मॉइस्चराइजर अच्छे से कर लेना अपनी स्किन को यूज करने के बाद। बाकी जितने भी बड़े बुजुर्ग बच्चे जो मर्जी यूज कर सकते हैं ये, इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये बंदा नहीं यूज कर सकता है, ये बंदा यूज कर सकता है। वाई? बिकॉज इसमें कोई केमिकल्स इंक्लूड नहीं है, ये मतलब किचन इंग्रेडिएंट्स है। आपको पता है ये दही कितना अच्छा होता है स्किन के लिए, ठंडक प्रोवाइड करता है, ठीक है, एंड इट प्रोवाइड्स ग्लो एज वेल, इंस्टेंट ग्लो आ जाती है, ब्राइटनेस आ जाती है आपके फेस पे। मतलब अगर कोई बच्चा भी है ना, अगर कोई 15 साल के बच्चा भी देख रहा है मेरी वीडियो, वो भी अप्लाई कर सकता है बिकॉज इट्स वेरी सेफ, इसमें कोई केमिकल इंक्लूड नहीं है। इट जस्ट दैट आप देख लेना है कि आप लैक्टिक इंटॉलरेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब बनाते हैं अपना फेस मास्क एंड आई विल शो यू हाउ आई अप्लाई इट। सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपने फेस मास्क यूज करने से पहले, अपने फेस पे अप्लाई करने से पहले, कि आपका फेस जो है अच्छे से क्लीन हो, वॉश्ड हो, ठीक है। आपने प्रॉपर क्लीन कर लेना है। मैं अभी काम से आई हूँ तो मैंने अभी अपना फेस वॉश नहीं किया हुआ है, सो आई एम गोना वॉश माई फेस फर्स्ट एंड फिर मैं आपके साथ ये अप्लाई करती हूँ। सो गाइस, फेस वॉश हो गया है, लेट्स मेक द मास्क। सबसे पहले हम लेंगे 1 स्पून दही। सो लेट्स पुट 1 स्पून दही। सो बेसिकली आप अपने हिसाब से ले सकते हो, आपके फेस के हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। मैं अपने फेस के हिसाब से ले रही हूँ। मैं इसमें 1 स्पून कर्ड या योगर्ट बोल सकते हो आप डाल रही हूँ, एंड उसके बाद मैं इसमें 1/2 स्पून कॉर्न स्टार्च डालूंगी।
तो इसमें मैंने हाफ स्पून कॉर्नस्टार्च का ले लिया है एंड ऑल वी वांट टू डू इज मिक्स 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 मिक्स. इसको बेसिकली हमें एक अच्छी स्मूथ पेस्ट बना लेनी है एंड योर मास्क इज रेडी. ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है कि इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी हो जाए. ठीक है, मतलब एक मास्क लग जाए बेसिकली, ज्यादा ना थिक हो और ना ही रनी हो. तो हमने इसको अच्छे से मिक्स 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 करके लगा लेना है. ये ऐसे ब्यूटीफुल सा व्हाइट पेस्ट बन जाना है. सो लेट्स अप्लाई दिस मास्क. इस मास्क से ना आपको इंस्टेंट कूलिंग भी मिलती है. समर्स में बहुत मजा आता है ये मास्क लगाने का, क्योंकि ठंडा ठंडा सा लगता है. तो दही एकदम मस्त फ्रिज से निकाल के भी यूज कर सकते हो आप एकदम. सो कूलिंग इफेक्ट भी आएगा एंड एक्सेस ऑयल वगैरह सारा. एंड अगर आपकी पिगमेंटेशन है, पिगमेंटेशन में भी बहुत हेल्प करता है गाइस. तो जिसकी पिगमेंटेशन है वो भी ये यूज कर सकता है एंड पूरे फेस पे, नेक पे अप्लाई कर सकता है. मैं नेक पे नहीं अप्लाई करूंगी अभी, बिकॉज मैंने छोटा नेक पहना है तो आई डोंट वॉन्ट टू रूइन माई क्लोथ्स बेसिकली. और अगर किसी के फेस पे जैसे पिथ निकल आती है ना गर्मियों में, उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये. तो आप अप्लाई करके देख सकते हो, इट्स गोना सूथ योर स्किन सो मच. मतलब बहुत मस्त सा और ना एकदम सॉफ्ट सी सप्पल सी स्किन हो जाती है आपकी. आपने हर जगह अप्लाई कर लेना. एंड आई थिंक दही एंड कॉर्नस्टार्च तो हर किसी के किचन में मतलब होता ही होता है, स्पेशली इन समर्स. कि दही तो सबके किचन में मिलता ही मिलता है, सो इट्स वेरी ईजी. कॉर्नस्टार्च मैं मान सकती हूँ कि हर कोई नहीं रखता, बट आई बिलीव 90% तो वो सबके घर में होता ही है. ठीक है, एंड आई बिलीव 99% दही भी सबके घर में होता है. सो इट्स वेरी हैंडी एंड बहुत क्विक बन जाता है. कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, जो वर्किंग है वो भी यूज़ कर सकते हैं इस मास्क को. उनको ये नहीं बहाना ढूंढना पड़ेगा कि यार इतने सारे इंग्रेडिएंट्स कैसे हम लाएं, या फिर हमने मतलब हमारे पास टाइम नहीं है. तो ये बहुत ही क्विक इंस्टेंट एंड बहुत अच्छा मास्क है, वर्क्स वंडर्स. तो हमने इसको रखना है मतलब जब तक ये ड्राई हो जाता है. ठीक है, तो बेसिकली आप पे डिपेंड करता है, आप 10 मिनट रख सकते हो, आप 15 मिनट रख सकते हो. तो बेसिकली जैसे ये ड्राई हो जाएगा वैसे आपने रखना है. बैठ के आराम से रिलैक्स कर लो, 5 मिनट भी रख सकते हो, दैट्स फाइन. 5 रख लो, 10 रख लो. आप इसको रोज भी यूज कर सकते हो या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन मतलब ऑल्टरनेटिव डेज पे भी यूज कर सकते हो. इट्स गोना शो लॉट गुड रिजल्ट्स ऑन योर स्किन, ट्रस्ट मी गाइस, सीरियसली ट्रस्ट मी. ठीक है, एंड लेट्स वेट टिल इट ड्राइज एंड फिर मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा. सो गाइज, मास्क मैंने वॉश कर लिया हुआ है एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स आफ्टर दैट. मतलब इंस्टेंट ग्लो आ जाती है फेस पे. आई होप आप ये मास्क ट्राई कर रहे हो. एंड अगर आपने मास्क ट्राई किया है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये कैसी लगी वीडियो. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल गाइज. जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.